तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि शेड्यूल वाइज हमारी डेली की क्लासेस होती हैं यहाँ पे, और आज की जो दोस्तों क्लासेस होगी वो रहेगी हमारी डिसीज के ऊपर, हेपेटाइटिस। तो दोस्तों आज की मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हेपेटाइटिस है क्या, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका कॉज है, किस तरीके से अपन इसको ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपा मीन्स दोस्तों यहाँ पे हेपा मीन्स होता है यहाँ पे लीवर, और दोस्तों जो आइटिस होता है सबको मालूम है, यहाँ आइटिस का मतलब होता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो दोस्तों लीवर में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा हेपेटाइटिस कहलाएगा। अब दोस्तों ये हेपेटाइटिस होते कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले मैं आप करता हूं डेफिनेशन की बात। दोस्तों हेपेटाइटिस यहां पे ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई दोस्तों यहां पे मेनली होते हैं। दोस्तों जिनमें से हेपेटाइटिस ए और ई दोस्तों यहां पे फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी कि फीको ओरल रूट से यहां पे ए और ई फैलता है, और बाकी के दोस्तों जो सी और बी और डी है वो यहां पे थ्रू ब्लड के द्वारा दोस्तों यहां पे यहां हेपेटाइटिस फैलते हैं। बाकी के मैं दोस्तों आगे बात करूंगा एक एक की, क्या इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है और ई का क्या है। सिंगल सिंगल वाइज में आगे आपको डिफाइन कर देता हूं। बाकी ये थी नॉर्मल बात कि हेपेटाइटिस है क्या और ये कितने टाइप्स के दोस्तों होते हैं। तो चलिए अपन स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले अपनी हेपेटाइटिस ए के बारे में, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि हेपेटाइटिस होती क्या है और कितने टाइप्स के यहाँ पे हेपेटाइटिस होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो स्टार्टअप करेंगे, हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए के साथ अपन लोग यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे हम लिख लेते हैं अपना पहला हेपेटाइटिस ए। दोस्तों हेपेटाइटिस ए जो है ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है। आपको यहां पे ये स्टार मार्किंग करनी पड़ेगी कि अगर पूछा जाए कि ये हेपेटाइटिस ए कौन सा वायरस है तो ये एक आरएनए वायरस है। और इनका इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूं दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड की मैं अगर बात करूं तो 2 से 6 वीक इसका दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है, ठीक है। और कॉज किससे होता है दोस्तों, ये कॉज होता है हेपेटाइटिस, कॉज होता है इसका ये यहां पे हेपेटाइटिस ए वायरस से, ठीक है। तो इसका कॉज दोस्तों क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 वीक है और ये कैसा है दोस्तों, ये एक आरएनए वायरस है। और साथ में दोस्तों इसका रूट क्या है, इसका रूट है फीको ओरल रूट। आप इतना नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं इसके साइन सिम्टम्स के बारे में बताता हूं। दोस्तों आई होप आपने सबने ये लिख लिया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि दोस्तों इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो उससे पहले दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि ये कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर, ठीक है, इन सबसे फैलता है। क्योंकि ये कि आपका दोस्तों क्या है, फीकोर रूट से फैलता है, तो फूड और वाटर अगर कंटामिनेटेड होंगे तो ये इस तरीके से आपका फैलेगा। और अगर मैं साइन एंड सिम्टम्स की दोस्तों बात करूं तो एनोरेक्सिया, मलाइज, ठीक है, इसी में आपका नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे दोस्तों यहां पे साइलेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और साथ में दोस्तों इसको यहां पे फीवर भी आ सकता है। तो ये 4 दोस्तों इसके साइलेंट सिम्टम्स हो जाएंगे। अब आपको ये चीज नोट करनी है, नोट कर लीजिए, बाकी का मैं फिर इसको रब करके इसकी प्रिवेंशन की बात करता हूं कि अपन इसको कैसे प्रिवेंट यहां पे कर सकते हैं। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि इसकी कैसे अपन इसको यहां पे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे अपन इसको वैक्सीन लगा सकते हैं, और उसके साथ में आईएम यहां पे डेल्टॉइड मसल में सिंगल डोज यहां पे अपन वैक्सीन इसको लगा सकते हैं, जो कि एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन हम इसमें प्रिवेंशन के लिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बात थी हमारी, ये हेपेटाइटिस ए के बारे में बात थी। अपन बात करेंगे अब हेपेटाइटिस बी के बारे में।
दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपना सेकेंड हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो दोस्तों सिंपली ये एक डीएनए वायरस है, ठीक है, और इसका जो कॉज है दोस्तों हेपेटाइटिस बी वायरस से ये फैलता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 24 वीक यहां पे रहता है, ठीक है। ये इसके बाद में अपन इसकी बात करेंगे कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन की दोस्तों बात करें, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन में दोस्तों ये यहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड के द्वारा भी फैलता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिशन, या यहां पे पेरेंटल रूट के द्वारा भी ये फैलता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए फटाफट, फिर अपन चलते हैं आगे अपने इसके हेपेटाइटिस बी के जो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो बाकी इसकी सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, इसके सिम्टम्स जो है वो क्रॉनिक है, ये क्रॉनिक डिसीज भी है दोस्तों, तो इसके सिम्टम्स भी क्रॉनिक हो सकते हैं। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे सिम्टम्स के सेम ही रहेंगे, इन्फ्लामेशन आएगी तो आपका एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, ये सारी चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। सिम्टम्स वो रहेंगे लेकिन इसमें क्रॉनिक ये डिसीज आपकी हो जाएगी। अगर मैं दोस्तों इसकी डायग्नोसिस की बात करूं तो यहाँ पे HBSAG यानी कि हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन आप हम टेस्ट करा के भी चेक कर सकते हैं कि या इसका इसमें इसका कितना एंटीजन है। और अगर दोस्तों मैं प्रिवेंशन की बात करूं तो प्रिवेंशन में दोस्तों हम वैक्सीन लगा सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, जो कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रहेगी। वो वैक्सीन दोस्तों हम जीरो डोज फर्स्ट दिन पे, उसके 1 मंथ बाद, उसके 6 मंथ बाद, और दोस्तों अगर हम लगाना चाहें तो उसके 5 ईयर्स बाद हम लोग इसकी बूस्टर डोज लगा सकते हैं, बूस्टर डोज लगा सकते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे उसमें सबसे पहले टाइटर यहां पे चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपन ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे साइन सिम्टम्स और यहाँ पे प्रिवेंशन की बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अपने अगली जो है वो हेपेटाइटिस सी के बारे में। बात करते हैं अपने तीसरे हेपेटाइटिस सी के बारे में। दोस्तों इसके ज्यादातर इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दोस्तों इसका अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, आरएनए वायरस है, ठीक है। आरएनए वायरस के साथ में दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसकी दोस्तों एमओटी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये आफ्टर दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा जाता है। और दोस्तों इसकी मेन जो बात करूं कि इसके दोस्तों कोई भी यहां पे नो वैक्सीन, इसकी कोई भी दोस्तों यहां पे वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल इसके बारे में था। अगर दोस्तों इसकी इंक्यूबेशन पीरियड और रही है, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूं, इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों यहां पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 6 वीक रह जाएगा। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हेपेटाइटिस डी के बारे में। चलिए अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी के बारे में। दोस्तों हेपेटाइटिस डी के बारे में भी ज्यादा नहीं है, बाकी सिंपली वे में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फैलता है, क्या इसका कॉज है, क्या है, ये सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर्थ नंबर दोस्तों हमारा जो है वो हेपेटाइटिस यहाँ पे डी है, ठीक है। तो मैं दोस्तों हेपेटाइटिस डी के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों हेपेटाइटिस डी के बारे में भी कुछ नहीं ज्यादा है, तो यहाँ पे ये सेम है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेम है हेपेटाइटिस बी, और दोस्तों इसका कॉज सेम वही रह जाएगा हेपेटाइटिस डी वायरस, ठीक है। तो सेम इसका कॉज रह जाएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो दोस्तों यहां पे पेंटावेलेंट वैक्सीन यहां पे हम
इसके लगा देंगे। तो ये थी दोस्तों हेपेटाइटिस डी के बारे में। बाकी के दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो रहा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों यहाँ पे 7 से 8 वीक इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि सेम एज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन लगा सकते हैं और 7 से 8 वीक इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस ई के बारे में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करेंगे अपनी नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप इसमें वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं इस चीज को, या दोबारा से रिपीट करके आप नोट्स लिखना चाहें तो बाद में भी नोट्स जो है वो लिख सकते हैं। तो अपन अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो है वो हेपेटाइटिस ई के बारे में। दोस्तों अब अपन लास्ट बात करते हैं अपनी हेपेटाइटिस ई के बारे में। तो हेपेटाइटिस ई की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको पता है कि आपका फीकोरल जो रूट है, फीकोरल रूट इसका हो जाता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें अपन तो ये दोस्तों इसकी हाई रिस्क रहती है, हाई रिस्क इन प्रेगनेंसी। दोस्तों मोर्टेलिटी रेट अगर की मैं बात करूं, मोर्टेलिटी रेट जो हो जाएगी इसकी दोस्तों 20% हो जाती है मोर्टेलिटी रेट। और आपको ये सेम पता है कि ये भी सेम आपका फीकोरल रूट से फैलती है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से ये भी फैल सकती है, क्योंकि ये आपका फीकोरल रूट से फैलती है तो इस चीज से ये फैल सकती है। अगर मैं दोस्तों बाकी की बात करूं तो इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो लास्ट अपन इसकी इंक्यूबेशन पीरियड अपन 2 से 9 वीक जो दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना रह जाता है, 2 से 9 वीक रह जाता है। और ये अपन यहां पे लिख सकते हैं ये क्या है, वाटर बॉर्न डिसीज है। ठीक है दोस्तों, ये अपन सिंपल भाषा में अपन ने पढ़ लिया सारे हेपेटाइटिस के, कितने हेपेटाइटिस रहते हैं, क्या इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, सारा कुछ अपन ने यहाँ पे इसका पढ़ लिया है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस ए के बारे में अपन ने पढ़ लिया, हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ लिया, हेपेटाइटिस सी के बारे में पढ़ लिया, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो सिंपली वे में हमने इनके बारे में पढ़ लिया। दोस्तों आप वापस इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर फास्ट मैंने पढ़ा दिया हो तो, क्योंकि दोस्तों आज की जो कुछ टेक्निकल एरर आ गया था इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट वे में पढ़ाया है। उसके बाद में दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी कल के शेड्यूल आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा और दूसरों तक शेयर भी करिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर पहली बार चैनल पर हैं तो मेरे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में राइट साइड में बेल आइकन भी उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस की वीडियो और वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियो आपके सामने सबसे पहले मेरे जीतन ट्यूब के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।